फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आभा खत्री आज आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। जब आपके घर में कोई भी सामान नहीं हो तब भी आप ये सब्जी बना के तैयार कर सकते हैं। आज मैं सेव और टमाटर की सब्जी बनाने जा रही हूँ, बहुत ही ईजी है। जो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। आप इसे पराठे के साथ, चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं और आपको जिसके साथ अच्छे लगे आप ये खा सकते हैं। आप ये डिनर में भी बना सकते हैं फ्रेंड्स और लंच में भी बना सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको पसंद आती है तो एक छोटा सा लाइक मुझे ज़रूर दीजिए। तो किचन में चलते हैं और बनाते हैं बहुत ही टेस्टी सेव टमाटर की सब्जी। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल सेव टमाटर की सब्जी। तो उसके लिए मैंने एक पैन को गर्म करने रख दिया है। अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे। तो मैंने 3 से 4 टीस्पून ऑयल डाल दिया है। अब मैंने सब्जी के लिए 3 से 4 रेड कलर के ऐसे बड़े टमाटर मैंने काट के रख लिए हैं और उसके अलावा मैंने सब्जियों में ऑनियन को चॉप कर लिया है, ग्रीन चिली है, गार्लिक को भी मैंने चॉप कर लिया है, कोरिएंडर लीव्स को भी मैंने चॉप कर लिया है और आधी मैंने शिमला मिर्च ली है, ऐसे बड़े टुकड़ों में मैंने चॉप कर लिया है। इसके अलावा हमें जो नॉर्मल मसाले आते हैं वो लगेंगे। तो अब ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे राई। राई को हम तड़कने देंगे। तो अब हमारी राई तड़कने लग गई है तो इसमें हम डाल देंगे जीरा, ये भी 1/2 टीस्पून डाल दिया है मैंने। सूखी लाल मिर्च डाल देंगे 1 और अब इसमें हम ऑयल में डायरेक्ट डाल देंगे गार्लिक। गार्लिक को हम अच्छे से पकने देंगे। गार्लिक हमारा ब्राउन हो चुका है तो हम इस टाइम पे इसमें ऑनियन डाल देंगे चॉप करा हुआ। साथ ही में हम ग्रीन चिली भी डाल देंगे। ग्रीन चिली इसमें इस तरह से कटी हुई डालें तो टेस्ट अच्छा आता है। अब ऑनियन को भी हम अच्छी तरह से पकने देंगे। जब ऑनियन इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसमें अब हम ड्राई मसाले कर देंगे ऐड। तो ड्राई मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे चुटकी हींग, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ये रेड चिली पाउडर मेरी तीखी नहीं है, काश्मीरी रेड चिली पाउडर है, क्योंकि हम इसमें सेव डालेंगे वो भी तीखी होती है इसलिए ध्यान से डालें इसमें। फिर मैं पिंच गरम मसाला ऐड करूँगी। इसे अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर देंगे ऑनियन में। अब इसी टाइम पे हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। अब टमाटर को हम अच्छी तरह से कुक होने देंगे। पाँच मिनट बाद जब टमाटर ने इस तरह से अपना पानी छोड़ दिया है और हाफ कुक हो चुके हैं तो इसमें हम डाल देंगे शुगर। शुगर ऑप्शनल है पूरी तरह से, लेकिन टमाटर की खटास को बैलेंस करने के लिए मैं 1/2 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। और इसी टाइम पे हम जो कटा हुआ कैप्सिकम था वो भी ऐड कर देंगे, क्योंकि कैप्सिकम को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। और नमक हम इसमें डाल देंगे इसी टाइम पर स्वाद के अनुसार, आप जितना भी नमक खाते हो ऐड कर दीजिए। अब सब्जी को मिक्स कर लेंगे। अब इसे 4 से 5 मिनट और कुक होने देंगे जब तक हमारा टमाटर पूरी तरह से कुक हो जाए। आपको अगर सब्जी में पानी चाहिए तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं, अदरवाइज टमाटर अपना पानी छोड़ रहा है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से सब्जी अच्छी लगती है, लटपटी, इसमें ज़्यादा पानी नहीं होता है। तो मैं इसे 5 मिनट कुक करूँगी। और अब आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं तो हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से पक चुके हैं, एकदम गली गली सब्जी भी नहीं है और एकदम अच्छे भी नहीं है टमाटर। तो इस टाइम पे हम इसमें सेव ऐड कर देंगे। सेव मैंने इस तरह की रतलामी सेव ली है, बहुत जाड़ी भी नहीं और पतली भी नहीं, तो इसे इसमें हम ऐड कर देंगे और मिक्स दे देंगे। और इस टाइम पे हम गैस को ऑफ कर देंगे ताकि हमारी सेव एकदम ना गल जाए।
इसे ऑफ करके और अब हम कुछ कोरिएंडर के लीव्स डाल देंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं इस टाइम पे कितनी अच्छी कलरफुल हमारी सब्जी दिख रही है, एकदम ढाबा स्टाइल। आप इसे पराठे, पूरी और रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। रेडी हमारी ढाबा स्टाइल सेव टमाटर की सब्जी, बहुत ही क्विक रेडी होती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।